इसके कारण दोनों बच्चों को यही बायफोर्स गेट पर रोक दिया गया है और उन दोनों को परीक्षा देने से जो है वंचित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो बात है ना, जो मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक न्यूज़ है लाइक सीएम साइंस कॉलेज है ना, वहाँ का कुछ हमको प्रॉब्लम लगा, जस्ट उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या था, 1 फेब को हम जस्ट स्ट्रीट फूड का वीडियो बनाने के लिए जा रहे थे, मैंने देखा वहाँ भीड़ है और 2-4 MSU के भैया थे और भी मतलब अलग अलग यूनियन के भैया सब थे, उन्होंने रोड जाम करके रखा था। मैंने पूछा भैया ये बात क्या और यहाँ पे हो क्या रहा है, कि आपने रोड क्यों जाम किया, बिकॉज मतलब पूछना तो फर्ज बनता है ना, ऐसे क्यों जाम है जबकि वो मेन रोड है। अगर आप कभी भी दरभंगा में एंटर करते हो, मेन सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको सीएम साइंस कॉलेज के पास से आना होगा, चाहे दरभंगा टावर जाना होगा, मतलब दो रास्ता है, एक दरभंगा टावर जाने का स्ट्रेट, एक टाउन हॉल साइड जाना है ना, तो आपको एक मतलब सीएम साइंस कॉलेज का रास्ता। मैंने उनसे पूछा, देन ही टोल्ड मी कि 2 स्टूडेंट्स हैं और वो जो है ना मतलब 2 मिनट से लेट हो गए, तो उनको 12th का एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है, मतलब 2 मिनट के लेट के लिए, ठीक है भाई, माना कि मतलब गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल 15 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचना था, बट आप गवर्नमेंट ये भी तो जान सकते हो ना, ऑल ओवर द बिहार की समस्या यही है, ट्रैफिक जाम। आप पटना से लेकर के दरभंगा तक रख लीजिए, पूरा हर जगह जाम ही जाम मिलेगा। कहीं भी अगर टाइम है, लगभग डेस्टिनेशन हमको 100 किलोमीटर कवर करना है, लगभग 3 घंटे 3 से 3.5 घंटा मान करके चलिए आपको लगता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम। ऊपर से गांधी सेतु का तो आप लोग जानते हैं, जब राजधानी का ये हाल है तो फिर तो ये दरभंगा है, समझो। तो मतलब एक लड़की थी और देन एक लड़का था, तो लड़का का क्या नाम था कि मतलब हम लोग जाम में फंसे हुए थे, तो जस्ट हम 2 मिनट से लेट हो चुके थे, और लड़की का क्या नाम ये था, 3 से 4 मिनट ऐसे समथिंग कुछ था, तो उससे लेट था। तो मतलब उनकी भी गलती ये है कि मतलब 10 से 15 मिनट पहले उनको सेंटर पहुंचना चाहिए था, बट एक साइड से ये भी देखा जाए कि उनको जबकि जो है ना मतलब अगर लेट ही हो गए 2 से 4 मिनट के लिए, तो क्या इशू हो जाता है, आपने तो उसका 1 साल बर्बाद कर दिया ना। वहाँ पे सदर SDO भी थे, उनको सारा वाक्या बताया गया, तो बिहार सरकार का जो गाड़ी होता है अपना बैठ करके उसमें निकल गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लाइक इस लेकर जो है ना MSU के छात्रों को बहुत गुस्सा आया था, उसको लेकर उन्होंने रोड जाम किया होता। एज पर स्टूडेंट मतलब हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमको भी थोड़ा सा मतलब एक गुस्सा आता है कि आपने स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर दिया, कि आपने उसको एग्जाम देने नहीं दिया गया, मतलब आपने उसको एग्जाम नहीं देने दिया, उसका तो 1 साल लैप्स चला गया ना यार। ठीक है उसने नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट दे देता वो, मतलब कैसे भी करके तो पास हो जाता ना, और नहीं पास होता फेल ही होता, कम से कम उसको पता तो चलता भाई कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। मैं ऐसे इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ के आया तब की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम उसको आप बैठने तो दिया जाता ना, आपने डायरेक्टली उसको हटा दिया एग्जाम हॉल से कि नहीं आपको नहीं जाने दिया सकता, आप 2 मिनट से लेट हो, ऐसे थोड़ी होता है। ऑल ओवर द बिहार की समस्या है ट्रैफिक, आपको दरभंगा की तो नहीं है कि स्पेशल दरभंगा में ही जाम लगता है, फिर वो बंदा झूठ बोल रहा था। आपने तो मतलब ऑल ओवर द बिहार का जो रोड रखा हुआ है, इतना एक्सप्रेस हाईवे है ना कि कहीं जाना होता है हमको 1 घंटा, मतलब 1 घंटा का रोड रहता है, हमको 4 घंटा लगता है उसमें जाने में। लाइक दरभंगा से पटना 2 घंटा का रूट है, आप कुछ भी रख लीजिए 3 से 3.5 से 4 घंटा लगता है। गांधी सेतु का जाम रख लीजिए, मुजफ्फरपुर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यही कहेंगे गलती दोनों साइड की है, बट गवर्नमेंट की मुझे ज़्यादा लगी, बिकॉज SDO को सारा वाकया बताया गया और 2 मिनट से लेट था यार, आपने उसका पूरा साल बर्बाद कर दिया। और वहाँ पे सीतामढ़ी के कोई तो थे मतलब सेक्रेटरिएट BJP के थे, तो उन्होंने मतलब इसकी घोर निंदा की, लाइक उसका आप क्लिप देख सकते हो। सिर्फ 3 से 4 मिनट लेट था, यानी 1:34-35 के अंदर लगभग वो आया है, जिसके कारण दोनों बच्चों को यही बायफोर्स गेट पर रोक दिया गया है और उन दोनों को परीक्षा देने से जो है वंचित कर दिया गया है। सीएम साइंस कॉलेज के गेट पर ये हुआ है। मैं भाजपा माले सीतामढ़ी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूँ, तीव्र से तीव्रतर निंदा करता हूँ, और मैं ये मांग करता हूँ कि दोनों बच्चों को जिन लोगों के कारण, जिन पदाधिकारी और गार्ड जिनके कारण भी वो बच्चा वंचित हुआ है, उन सारे लोगों को पैनिस्ट किया जाना चाहिए, वो सारे लोग सस्पेंड हो, नौकरी से बर्खास्त किए जाए, उन दोनों बच्चों को फिर से वो दोनों बच्चा कैसे परीक्षा दे सके इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं सदर SDO के मैंने रवैया की भी तीव्र निंदा करता हूं, क्योंकि SDO खुद यहां आए थे, मैंने यहां रोक करके उनको सारी बात बताई, लेकिन SDO ने इतने सीरियस मामले को बिल्कुल हल्का से लिया और अपना पल्ला झाड़ करके यहां से रवाना हो गए। मेरा ये मानना है कि ये ऐसा SDO या कोई भी इस तरह का पदाधिकारी वो संवेदनहीन माना जाएगा, ये अति संवेदनहीन है, ऐसे संवेदनहीन पदाधिकारी की मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि दोनों बच्चे की लाइफ से जो खिलवाड़ जिन्होंने किया है उनको पैनिश करें और उस दोनों बच्चे के परीक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नियाज अहमद सिद्दीकी है। बच्चे किस कॉलेज से है?
वो बच्चा एक एमएलए से है और एक जो है काजी अहमद जाले से है। आपके हिसाब से बच्चा कितने बजे यहाँ पहुँची? बच्चा 1:34 में यहाँ पहुँचा है। यहाँ पे एग्जाम लाना था, 1:35 में मुझे अंदर नहीं जाने थे यार। बहुत हम रोए, बहुत भी करे, तब भी मुझको कोई अंदर नहीं जाने थे। यहाँ का स्टाफ कै बजे पहुँचे थे? 1:35। आपको मालूम है 15 मिनट पहले रिपोर्ट पहुँचना सेंटर पर, लेट क्या क्यों हुआ? सर जाम में फंस गए थे। कहाँ पर जाम में फंसे थे? गेहूँ में। घर कहाँ है आपका? कर्जापट्टी। किसी का एग्जाम देने आए थे? पॉलिटिकल साइंस का। इंटर का? इंटर का जी। किस कॉलेज में? सीएम साइंस में। क्या आप एग्जाम से वंचित हो गए? जी। क्या नाम हुआ? राजू कुमार सर। ये बच्ची है, क्या हुआ बाबू आपके साथ, क्या समस्या है? जोर से बोलिए। टाइम पर पहुँचे कि टाइम के बाद पहुँचे हैं? 3-4 मिनट लेट हो गया। किस कारण से लेट हो गया था? गाड़ी जाम थी। कहाँ से आए थे आप? जाले से। किस कॉलेज में सेंटर था आपका? यहाँ किस कॉलेज में सेंटर पड़ा है? क्या नाम है आपका? बबीता कुमार। तो ये था कुछ क्लिप, और कुछ बोलने लायक है नहीं यार। मतलब आपने किसी का एक साल बर्बाद कर दिया। कोई नहीं, चलिए अब तो देखिए बताते हैं। अब जो उसका काम था उसने किया, जो मेरा काम है एज पर सोशल मीडिया तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। लाइक मैं ये वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पे डालूंगा, सबके पास जाएगा वीडियो, सब देखेगा। उनका काम था, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बट मेरा जो काम है मैं वो काम करूंगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस वीडियो को जहां से मतलब जितना फॉरवर्ड कर सके उतना सही होगा। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं इतना शेयर करने के लिए, ठीक है यार। यही बोलना, ठीक है यार, यही बोलना था। और कुछ ज़्यादा माइंड में आ नहीं रहा यार, क्या बोले। मतलब कुछ बोलने लगे उन्हें छोड़ा क्या यार, लाइक किसी एक साल बर्बाद हो गया ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए थोड़ा सा, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।